जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है और ये पिंक सिटी के नाम से भी पूरे देश में बहुत ही फेमस है। तो इस वीडियो में हम लोग जयपुर कैसे घूमें इसके बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल बारीकी से समझेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ब्लॉग जोन। मैं हूं इस टाइम जयपुर के आमेर फोर्ट में। तो जयपुर आप कैसे आ सकते हैं, क्या आपका टूर प्लान होगा और जयपुर घूमने में आपका क्या खर्चा आएगा, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा और कुछ अपने तरफ से आपको टिप्स भी दूंगा जो यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और आइए मेरे साथ घूमिए जयपुर। तो जयपुर घूमने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जयपुर पहुंचा कैसे जाए। जयपुर में रेलवे स्टेशन है जहां देश भर के हर छोटे बड़े स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा जयपुर के लिए उपलब्ध है। जयपुर में बस स्टैंड भी है जिसका नाम सिंधी कैंप है। जयपुर के पास के कई बड़े शहरों से जयपुर के लिए बस की सुविधा भी इजीली उपलब्ध है, जिससे आप बस के थ्रू भी जयपुर इजीली पहुंच सकते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जयपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको हवा महल के लिए आपको यहाँ पे ऑटो मिल जाएगा जो चार्ज करेंगे। सिंगल पर्सन आप जाएंगे तो वो चार्ज करेंगे 100 रुपया, और अगर आप मतलब सबके साथ सवारी में जाएंगे तो वो आपको चार्ज करेंगे 50 रुपया। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये पीछे है जयपुर जंक्शन और इसी के जस्ट पीछे होगा आपको मेट्रो स्टेशन, जो कि आपको 12 रुपये चार्ज करेगा और आपको ले जा करके आराम से हवा महल के पास आपको ड्रॉप कर देगा। वो जहाँ ड्रॉप करेगा वहाँ से हवा महल कुछ ही दूरी पे है। तो बने रहिए ब्लॉग में और आपको बताता हूँ कैसे आप मेट्रो स्टेशन ले सकते हैं, कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, सब बताते हैं इस ब्लॉग में। ये ऑटो स्टैंड है जो कि जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर है। अगर आप ऑटो से कहीं भी जाते हैं तो आपसे बहुत ही हाई प्राइस डिमांड करेंगे। अगर आप गर्मी के मौसम में जयपुर घूमने के लिए जाते हैं तो मेट्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये जयपुर रेलवे स्टेशन का मेट्रो स्टैंड है। तो अभी मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन जो कि मेट्रो स्टेशन है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है रेलवे मेट्रो स्टेशन जयपुर, और यहाँ से आप बड़ी चौपाड़ के लिए टिकट ले सकते हैं। ये रहा बड़ी चौपाड़, और यहीं से वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर हवा महल होगा। और ये मेट्रो का कार्ड जो कि आप 12 रुपये चार्ज होगा इसका, और वो आपको इजीली छोड़ देगा बड़ी चौपाड़। अगर आप ऑटो से जाते हैं तो फिर आपको 100 रुपये चार्ज करेंगे, और फिर ऑटो से अगर आप सवारी में भी जाते हैं तो वो 50 रुपये चार्ज करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है मेट्रो, क्योंकि सुबह सुबह आपको मेट्रो में भीड़ भी नहीं मिलेगा और आप काफ़ी आराम से हवा महल पहुँच। आज मैं सुबह सुबह ही सबसे पहले हवा महल के लिए गया, और ये आप देख सकते हैं मेट्रो, ये सुबह के टाइम पूरा मेट्रो खाली होता है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी मैं मेट्रो से निकल चुका हूँ, और जैसे ही आप मेट्रो से बाहर निकलेंगे तो आपको इस साइड आपको हवा महल दिखना शुरू हो जाएगा। मुश्किल से 20 कदम भी नहीं होगा और आपको हवा महल दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा हवा महल, ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हवा महल है। चलिए आगे से दिखाते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके आप अंदर भी जा सकते हैं, जिसका एंट्री फी 50 रुपया पहले था। अभी देखते हैं कितना एंट्री फी है और बताते हैं आप लोग को। तब तक आप हवा महल को देखिए और इन्जॉय कीजिए। यह है मेरे पीछे हवा महल, अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, फोटो में देखा होगा या फिर बुक्स में देखा होगा। तो चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं। और हाँ, इसके पहले बता दें, ये दोनों तरफ रोड्स है, जहाँ पे अभी तो मॉर्निंग का टाइम है तो उतना ट्रैफिक नहीं है, मगर आप शाम के टाइम आते हैं तो आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं अंदर कैसा है हवा महल। ये हवा महल का एंट्री गेट है और इसका एंट्री फी है 50 रुपया। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये 20 रुपये में मिल जाएगा, और स्टूडेंट आईडी जो होगा वो प्रेजेंट टाइम का ही होना चाहिए, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। हवा महल खुलने का टाइमिंग जो है सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। ये हवा महल के टॉप फ्लोर का व्यूज़ है, जहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा।
और आप यहाँ से छोटी छोटी खिड़कियाँ जो देख रहे हैं वहाँ से आप बाहर का रोड का भी नज़ारा देख सकते हैं। हवा महल घूमने के बाद अब मैं जल महल घूमने के लिए गया। हवा महल से जल महल की दूरी 5 किलोमीटर है। तो अभी मैं आ चुका हूँ जल महल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो है जल महल। इसके अंदर कुछ एंट्री है नहीं क्योंकि ये पानी के अंदर है। इसके अंदर एंट्री है नहीं, आप बाहर से ही देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप इवनिंग के टाइम है, ऐसे धूप में ना है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप हवा महल से यहाँ पे आप आ सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 150-100 रुपया चार्ज करेंगे, लेकिन आप ऐसा ना करें, आप वहाँ हवा महल से जल महल का 10 रुपये किराया है, आप 10 रुपये दें और वो आपको यहाँ पे लाके रोड पे छोड़ देंगे। फिर वहाँ से आप घूमते हुए आ सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आप इवनिंग के टाइम है तो आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। जल महल घूमने के बाद अब मैं जयपुर के फेमस आमेर फोर्ट घूमने के लिए गया। जल महल घूमने के बाद अब मैं आ चुका हूँ आमेर फोर्ट। और ये आमेर फोर्ट का बाहर का एरिया है और यहाँ से एंट्री होता है आमेर फोर्ट का। तो जल महल से आमेर फोर्ट आने के लिए आपको वहाँ का सिटी बस पकड़ना होगा, जो कि आपसे 10 रुपये चार्ज करेगा और आपको यहाँ पे आमेर फोर्ट के एंट्री गेट पे लाके छोड़ देगा। और ऑटो रिक्शा और कुछ ना करें, वो आपसे 100-150-200 चार्ज कर सकते हैं। तो आप सिटी बस का यूज करें, ऐसे ही बस होगी और ये आपको 10 रुपये चार्ज करेगी और आपको लाके यहाँ पे आमेर फोर्ट 10 रुपये में छोड़ देगी। तो आमेर फोर्ट के अंदर आपको एंट्री करते ही कुछ ऐसा लुक व्यूज देखने को मिलेगा, छोटा सा गार्डन होगा। और यहाँ पे आप इवनिंग के टाइम में आएंगे तो यहाँ पे आप बहुत ही इन्जॉय करेंगे। इस टाइम तो बहुत ही धूप है। तो सुबह आमेर फोर्ट जाने में आपको परेशानी ज़रूर होगी क्योंकि ये सीधी चढ़ाई होती है जो कि 2 किलोमीटर की होती है। आप यहाँ पे हाथी से भी जा सकते हैं, उसका चार्ज अलग होता है। वो 2000 रुपये आपको चार्ज करेंगे, नीचे आप हाथी के थ्रू भी जा सकते हैं। ये आमेर फोर्ट का मेन कैंपस एरिया है। अगर आपको इसके ऊपर जाना है, शीश महल देखने और भी बहुत चीज़ें हैं आमेर फोर्ट के अंदर देखने को, तो आपको टिकट लेना होगा जिसका प्राइस 100 रुपया है। आमेर फोर्ट के अंदर जाते ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप पुराने ज़माने में आ चुके हैं। अभी मैं आमेर फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ, जिसका अंदर आने का प्राइस है 100 रुपया। 100 रुपया का टिकट है, टिकट लेंगे आप फिर आप अंदर आ सकते हैं। अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो ये सब आप नहीं घूम सकते। ये मेरे पीछे है ये शीश महल, ये पूरा शीश महल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जिसमें आप देखेंगे तो ऊपर नीचे वो पूरा शीशा लगा हुआ है। इसमें आप आएँ घूमें, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे एक बार आप ज़रूर आएँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन उसका कंडीशन ये है कि आपका हाल ही का आपका स्टूडेंट आईडी होना चाहिए। अगर आपका पुराना स्टूडेंट आईडी है तो कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास स्टूडेंट आईडी तो था नहीं हाल का, तो मुझे टिकट लेना पड़ा 100 रुपये का। और ये यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गार्डन है और ये पूरा किला है। शीश महल घूमने के बाद मैं जा रहा हूँ इसके ऊपर। तो शीश महल के सामने ये शीश महल है और शीश महल के सामने से एक छोटा सा ये दरवाज़ा होगा और इसके अंदर आप जा सकते हैं। ये भैया हैं, ये बहुत अच्छे गाइड हैं यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध गाइड हैं ये भैया। हाय कर दीजिए भैया। और ये पूरा ये ऊपर का अंधेरा नज़ारा है भूत। आमेर फोर्ट का लास्ट फ्लोर है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। तो आप आमेर फोर्ट आप ज़रूर आएँ, यहाँ पर आपको बहुत ही पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। पतली सीढ़ियाँ, कैसे पहले के ज़माने में पत्थर से सीढ़ियाँ काट के बनाई जाती थी, और भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। आमेर फोर्ट घूमते प्यास लगे तो यहाँ पे पानी पीने का भी सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पे ठंडा पानी पी सकते हैं। और थोड़ा सा इधर अंदर आएंगे तो यहाँ पे टॉयलेट भी होगा, तो आप वॉशरूम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो नीचे से कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं, नीचे आपको पानी 40-50 रुपये बोतल लेंगे। आप थोड़ा सा वो पीजिए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आपको यहाँ पे 1 रुपये या 2 रुपये
आपका जितना मन करे रास्ता लीजिए या फिर कोई चार्ज ना दीजिए, मतलब आपके ऊपर है जितना मन करे दे सकते हैं। इसके अंदर ही सारी सुविधा उपलब्ध है, आप यहाँ पे वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पानी पीने का भी सुविधा उपलब्ध है। आप आमेर फोर्ट के अंदर शॉपिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर आपको दो चार शॉप सब देखने को मिल जाएंगे जहाँ से आप परफ्यूम, कपड़े और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो आप कुछ नेचुरल इत्र वगैरह देखना चाहो आप, अगर किसी को ऑनलाइन घर बैठे शॉपिंग करनी हो तो ये हमारा पेज है, इस पे से आप शॉपिंग कर सकते हो क्राफ्ट्स इन इंडिया के पे से। और कुछ शॉल्स वगैरह देखना चाहो शॉल्स स्टॉल्स वगैरह भी देख सकते हो। मैंने यहाँ से अभी ये 300 का परफ्यूम परचेस किया है जो जिसका स्मेल बहुत ही अच्छा है, और ये भैया आपको डिस्काउंट भी देंगे यहाँ पे। आप अगर मतलब बजट में सामान लेते हैं, ज़्यादा सामान लेते हैं, तो भैया कुछ आपको डिस्काउंट भी देंगे। 5 के साथ एक फ्री है। आप अगर आमेर फोर्ट घूमने आए हैं तो यहाँ से इत्र जरूर ले जाएं, इसका स्मेल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर आप खुद भी यूज कर सकते हैं। आप अगर आमेर फोर्ट सुबह के टाइम 12 बजे से पहले घूमने आए हैं तो यहाँ पे माँ भगवती का प्रसाद भी मिलता है, जिसे आप ज़रूर टेस्ट करें। तो ये जयपुर का फर्स्ट ब्लॉग था, सेकंड ब्लॉग बहुत ही जल्द आ जाएगा। अगर ये दोनों एक में डलता तो बहुत ही लंबा हो जाता है।